third part from the same question. Again, you need to calculate the value of x, y and z. ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें ये L सिंबल दिया हुआ है. ठीक है, मींस दिस एंगल इज गिवन टू यू इनडायरेक्टली. यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये 90 है, बट L सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज इक्वल टू 90. ठीक है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, नाउ x एंड 90 बोथ आर अपोजिट एंगल्स, तो दे विल बी इक्वल टू, सॉरी दे विल बी सेम. ठीक है, सो इन सॉल्यूशन x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ दी वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक इस कॉर्नर पे एक उस कॉर्नर पे, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकल लाइन पे बन रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, तो आप रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, नाउ एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, राइट. नाउ इन दिस ट्राइंगल x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 90. वन मोर एंगल इज गिवन टू यू, दैट इज 30, एंड द थर्ड एंगल इज अननोन. तो वी कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना, कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. दो एंगल हमें दिए हुए हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट नेम इट ए बी सी डी ई. ठीक है, सो इन ट्राइंगल डी ई सी, इन ट्राइंगल डी ई सी, वाई प्लस 90 प्लस 30 शुड बी इक्वल टू 180. रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. नाउ एट देम 90 प्लस 30 विल बी 120 प्लस y इज इक्वल टू 180. सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120. प्लस का 120 वहां लेके जाइए, माइनस 120, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. तो हमारे पास x आ चुका है 90. ठीक है, y की वैल्यू निकल चुकी है 60. अब क्या बचा, z. देखिए z के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों भी क्या है, वर्टिकल लाइन पे एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी क्या होने चाहिए, सेम, राइट. तो y विल बी इक्वल टू z, या z विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री. तो मीन्स z भी क्या आ गया, 60 डिग्री. रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है. ये है पार्ट नंबर 4 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. नाउ अगेन व्हाट इज गिवन टू यू, अ पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए, 80 एंड y बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स, तो दे विल बी सेम, राइट. सो y वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 80 डिग्री. क्यों, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगेन देखिए, दिस 80 विल ऑल्सो बी इक्वल थ्रू जेड, वाई, बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, जेड और 80 दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक लाइन पे बन रहे एक साइड पे. सो जेड विल बी इक्वल टू 80 डिग्री. रीजन, बिकॉज दे आर corresponding एंगल, corresponding एंगल्स. ठीक है, और corresponding एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट. नाउ जेड वी हैव, वाई वी हैव. ठीक है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो x के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं. देखिए, x 80 या x y दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, मतलब एडजेसेंस एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा. तो लेट्स यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर x एंड 80. सो x प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180, वाई, बिकॉज एडजेसेंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंस एंगल इज 180, एक ही बात है. नाउ x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 80 को वहां लेके जाइए, 180
माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू 100. तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री, राइट. तो x 100, z एंड y 80 डिग्री. दिस इज योर सॉल्यूशन. लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन. इन दिस अगेन 112 एंड y आर अपोजिट एंगल्स, तो दे विल बी सेम, राइट. तो वेरी फर्स्ट, y इज इक्वल टू 112. रीजन क्या देंगे? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ यू कैन सी हियर, इफ आई नेम इट ए बी सी डी, तो दिस डायगोनल ए सी इज गोइंग टू डिवाइड दिस पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, ठीक है. सो इन ट्राइंगल ए डी सी यू कैन सी दैट दिस एंगल वी हैव y हम कैलकुलेट कर चुके हैं एंड x इज अननोन. इसी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. दो एंगल्स हमें पता है, तीसरा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो लेट्स अप्लाई इन ट्राइंगल ए डी सी. इन ट्राइंगल ए डी सी सम ऑफ 14 प्लस y दैट इज 112 प्लस x शुड बी इक्वल टू 180. क्यों लिखा हमने ये? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है. नाउ 112 प्लस 40 विल गिव यू 152 प्लस x विल बी इक्वल टू 180. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 152. प्लस का 152 वहां लेके जाएंगे, माइनस का 152 एंड इट विल गिव यू 28 डिग्री, ठीक है. तो y 112, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 28 डिग्री, ठीक है. अब एक और अननोन है हमारे पास, दैट इज z, ठीक है. सो यू कैन सी हियर दिस एंगल x एंड z, दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल, z बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो x विल बी इक्वल टू z, राइट. एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z एंड दिस फर्दर इक्वल टू 28 डिग्री. रीजन क्या देंगे? बिकॉज x एंड z आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. तो अपने पास जेड की वैल्यू भी क्या आ गई 28 डिग्री, ठीक है.